Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर सुमिति आहूजा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ मैं आपके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा विधि का कोर्स लेने वाली हूँ और जिसमें दस होंगे। आज हमारा पहला सेशन है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं व्याख्यान संख्या एक जिसका टाइटल है सामान्य परिचय संविदात्मक दायित्वों का इतिहास और प्रकृति यानी कि हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आज जो हम टॉपिक्स जो विषय हम कवर करेंगे वो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सामान्य परिचय भारतीय संविदा अधिनियम अठारह का परिचय भारतीय संविदा अधिनियम अठारह का इतिहास अनुबंध कानून का विकास यानी कि एवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ और फाइनली हम उस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे यानी कि टॉपिक का विषय का निष्कर्ष सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट या संविदा की हम बात करते हैं सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो लोगों का होना बहुत जरूरी है जनरली दो लोगों का होना बहुत जरूरी है और वो दो लोग एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस करे कुछ दे कुछ लेन देन हो दोनों के बीच में उसका होना जरूरी है आप पहला पॉइंट जो अपनी स्क्रीन पे देखेंगे सामान्य परिचय का उससे आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ अनुबंध की अवधारणा का परिचय सामान्य रूप से द्विपक्षीय लेन देन द्विपक्षीय लेन देन का मतलब होता है बायलेटरल बायलेटरल ट्रांजैक्शन बायलेटरल ट्रांजैक्शन से हमारा मतलब है कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार का लेन देन होना आवश्यक है एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जबकि जब आप भारतीय संविधान अधिनियम देखेंगे तो उसके तहत कुछ अपवाद यानी कि कुछ एक्सेप्शन आपको नजर आएंगे बट जनरली अगर आप देखें ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि पहली चीज जो कॉन्ट्रैक्ट सुन के दिमाग में आती है जो कॉन्सेप्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो सुन के जो दिमाग में आती है वो ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार का लेन देन जरूरी नहीं है कि वो लेन देन सिर्फ पैसों को लेकर हो आप मुझे कोई चीज बेचते हैं उसके लिए मैं आपको पैसे देती हूं तो आपकी बेची हुई चीज आपकी तरफ से दिया हुआ जिसे हम कहते हैं कंसिडरेशन है और मेरी तरफ से दिए गए पैसे उस चीज के बदले में मेरी तरफ से दिया गया कंसिडरेशन है जब दो व्यक्ति एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस करते हैं उसमें दोनों एक दूसरे के साथ कुछ लेन देन करते हैं और उस लेन देन में फिर से मैं बताती हूं जरूरी नहीं है पैसा हो कोई भी चीज या कोई भी सर्विस आती है संविदात्मक दायित्वों की अव, अवधारणा का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जैसे कि नाम से ही पता चलता है अनुबंध के तहत दायित्व या अनुबंध की शर्तें जिनके लिए पार्टियां पालन करने के लिए सहमत हैं। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉट्स पढ़ते हैं हर बार सबसे पहले पहले एक चीज हमें विस्तार से बताई जाती है वो चीज ये है कि जब आप टॉट्स की बातें करते हैं तो टॉट्स में जो पार्टीज की जो लोगों की ड्यूटी होती है वो ड्यूटी कौन फिक्स करता है कौन तय करता है उनके लिए वो लॉ तय करता है वो लॉ तय करता है पार्टी नहीं तय करती लोग नहीं तय करते कि क्या ड्यूटी है जो हमें निभानी है वो लॉ तय करता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हैं तब जो ड्यूटी है जो हमें पूरी करनी है वो पार्टी जो दो लोग जो दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं वो दो व्यक्ति के बीच में क्या कौन क्या करेगा क्या ड्यूटी करनी है क्या देगा क्या प्रॉमिस कर रहा है वो सब दो पार्टी मिलकर डिसाइड करती हैं इसीलिए जब हम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की बातें करते हैं या संविदात्मक दायित्वों की बातें करते हैं तो उसका मतलब यही है कि वो शर्तें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई हैं वो पार्टी ही मिलकर आपस में तय करती हैं पर उसके साथ साथ भी एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है ही तय करती है व्यक्ति ही तय करते हैं पर वो कानून के दायरे में रहकर ही तय कर सकते हैं संविदा कानून के अंतर्गत कर्तव्यों या बाध्यताओं का निर्धारण मुख्यतः पक्षकारों द्वारा किया जाता है ये कानून की सीमा के भीतर होने चाहिए जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कहा था कि ये कानून की सीमा के भीतर ही होने चाहिए क्योंकि आगे आप सेशंस में भी देखेंगे कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में बनता है या कोई ऐसा अनुबंध दो व्यक्तियों के बीच में बनता है जिसकी टर्म्स जिसके दायित्व जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए होते हैं या तय किए गए होते हैं उसमें एक चीज का होना बहुत जरूरी है वो ये है कि अगर आपने कोई भी ऐसी शर्त उस कॉन्ट्रैक्ट में डाली है वो अगर कानून के दायरे के बाहर है तो और उस विषय में दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर कोई एक दिया गया वादा पूरा नहीं करता तो वो कोर्ट जाने की स्थिति में भी नहीं है वो न्यायालय जाने की स्थिति में भी नहीं है क्योंकि कोर्ट यानी कि न्यायालय उसे कोई भी उपाय नहीं दे पाएगा जिसे हम रिलीफ या रेमिडी कहते हैं नहीं दे पाएगा यह चीज जानना बहुत जरूरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही जरूरी चीज टॉपिक आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं अनुबंध की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसके किस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है किस व्यक्ति के साथ मैंने एक अनुबंध में आना है वो तय करने की फ्रीडम वो तय करने की स्वतंत्रता ये टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे है उसी के बारे में बात करता है पार्टियों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना बातचीत करने और अपने समझौतों समझौते की शर्तें बनाने की स्वतंत्रता जैसा वे उचित समझे फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध की स्वतंत्रता का मतलब ही यही है कि दो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना सरकार के हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस के अपने ड्यूटीज अपने वादे तय कर सकते हैं एक अनुबंध के अंतर्गत मैंने एक उदाहरण आपके स्क्रीन पे अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे मैंने एक उदाहरण लिखा है वहां पर एक्स एक व्यक्ति जिसका नाम एक्स है नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर एक्स नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के साथ स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने का अधिकार है इसका मतलब ये है कि एक नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों के साथ स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने का अधिकार रखता है यानी कि उसके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का या जिसे मैं बोलूं कि अपने कर्मचारियों के साथ अनुबंध करने का उसे पूर्ण अधिकार है लेकिन यदि वह किसी भी कानून को तोड़ता है उदाहरण के लिए जैसे कि उसके कर्मचारियों के काम करने के समय को प्रतिबंधित करने वाला कानून जिसका तात्पर्य यह है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है जिस लॉ के अंतर्गत जिस कानून के अंतर्गत जो कर्मचारी है उनके काम करने का समय नंबर ऑफ आवर्स जिसे हम कहते हैं कितने घंटे वे व्यक्ति एक दिन में काम करेगा वो तय है लेकिन ये नियोक्ता एक्स, अगर ऐसे किसी अनुबंध में अपने कर्मचारी को बांधता है जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति वह कर्मचारी दस घंटे काम दस घंटा काम करना ही है उस कर्मचारी को उस अनुबंध के अंतर्गत जबकि उदाहरण के तहत जो मैंने बोला हो सकता है कोई कानून है जो कानून ये बोले कि आठ घंटे से ज्यादा कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों से काम नहीं करा सकता ऐसे स्थिति में अगर एक्स कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई अनुबंध में अपने कर्मचारियों को बांधता है जहां पर वे कानून द्वारा दिया गया समय उसका उसका पालन ना करके उल्लंघन करते हुए की जगह दस घंटे अपने कर्मचारियों से काम करवा रहा है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा अनुबंध जिसमें वे अपने कर्मचारियों को बांधता है ये इस तरह का अनुबंध स्वीकार नहीं किया जाता इस तरह के अनुबंध को हम फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास बट फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है जिनका पालन करना जरूरी है आप कानून के दायरे के बाहर नहीं जा सकते आपका फ्रीडम जरूर है बस उस पर उस फ्रीडम के कुछ दायरे हैं वो हमें मालूम होना जरूरी है कभी कभी कर्तव्यों को पार्टियों में से एक द्वारा पूर्व निर्धारित या पूर्व परिभाषित किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्री डिटर्मिन यानी कि मैंने कहा आपको कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टियों का होना जरूरी दो व्यक्तियों का होना जरूरी है अब उनमें से एक पार्टी अगर उस अनुबंध के सारे शर्तों को पहले से ही तय करके रखे अभी हमने टॉपिक देखा अभी हमने पढ़ा ऊपर अनुबंध की स्वतंत्रता यानी कि दोनों पार्टियों को दोनों व्यक्तियों को स्वतंत्रता फ्रीडम है कि वो कौन, वो कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध में आए पर एक ऐसा विषय मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा टॉपिक बता रही हूं जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखेगा मानक रूप अनुबंध जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट यही स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इससे ऊपर दिए गए पॉइंट में विस्तार से बताया गया है जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब की क्या शर्तें होंगी जो दूसरे को माननी पड़ेंगी अगर वे सामने वाला इस इंसान या इस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही यही है कि आपने पहले से ही तय करके रखा है एक ही पार्टी ने पहले से ही तय करके रखा है आप अपने स्क्रीन पे लास्ट पॉइंट पे देखेंगे मैंने लिखा है इसे ले लो या इसे छोड़ दो जिसे हम कहते हैं टेक इट और लीव इट अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट उसका मतलब ये है देखिए एक पार्टी ने पहले से ही तय करके रखा है कि क्या शर्तें हैं दूसरी पार्टी के पास इतनी स्वतंत्रता या इतना फ्रीडम है कि वो ये तय कर सके कि क्या वे दूसरे पार्टी के साथ अनुबंध में बंधना चाहता है उन्हीं शर्तों पर जो शर्तें पहले से ही सामने वाले ने तय की हुई हैं कानूनी उपचार की स्थिति देखिए जहां पर हम ये कहते हैं कि दो पार्टीज ने सोच समझ के दो लोगों ने सोच समझ के एक अनुबंध में खुद को बांधा है और शर्तें जो अनुबंध में दी गई हैं खुद ही उन्हें खुद ही उन्होंने वो चीज को उसमें डाला है डिसाइड किया है एक दूसरे को बांधने का कोशिश की है अब जब हम कहते हैं का, कानूनी उपचार की स्थिति उसका मतलब यह है कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कि एक पार्टी ने पहले से ही निर्धारित कर दिया कि क्या क्या शर्तें होंगी दूसरी पार्टी ने उसको कोई मौका नहीं मिला उन शर्तों में अपना कुछ अपना कुछ और डालने का उसने उनी शर्तों का पालन किया अब ऐसी स्थिति में में आगे जाकर अगर दोनों के बीच में कुछ मन मुटावो कोई डिस्प्यूट हो तब क्या होगा क्या वो इंसान जिसने सारी शर्तें मंजूर करी थी सारी शर्तें सामने वाले की दीवी सारी शर्तें मानी थी क्या वह इंसान न्यायालय या कोर्ट जा सकता है किसी उपचार के लिए इसका जवाब है कि हाँ जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास उपचार के लिए न्यायालय जाने की जो आपका राइट है वो खत्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट भी है फिर भी आप कोर्ट जा सकते हैं न्यायालय जा सकते हैं कानूनी उपचार के लिए अनुबंध लिखित रूप में हो सकता है या वे प्रकृति में मौखिक भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न में भी हो सकता है यानी कि लिखित भी हो सकता है और मौखिक रूप से भी किया जा सकता है यानी कि ओरल भी हो सकता है क्योंकि जो आपका भारतीय संविदा अधिनियम है यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये कहीं भी नहीं लिखता कि एक अनुबंध हमेशा ही लिखित रूप में होगा तभी ही वे उसकी स्वीकृति होगी वरना नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं है बस भारत में अनुबंधों को नियंत्रित करने वाला कानून यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ अपवादों को छोड़कर यानी कि कुछ एक्सेप्शन है उन्हें छोड़कर लिखित अनुबंध को वैध अनुबंध के लिए अनिवार्य आवश्यक नहीं बनाता है कहीं नहीं कहता कि ये आवश्यक है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वह लिखित रूप में ही हो मौखिक नहीं हो सकता वे लिखित भी हो सकता है मौखिक भी हो सकता है क्योंकि जब भी हम ये कोर्स अपने क्लास में कराते हैं, हर बार हर बार विद्यार्थियों का यही एक सवाल हमेशा उठता है वो ये है कि क्या कि उन्होंने एक चीज दिमाग में बांध के रखी है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध की बात करते हैं तो उसका मतलब ही यही है कि वे लिखित में होगा पर ऐसा नहीं है मैं आपको बता रही हूं ऐसा नहीं है वह लिखित मौखिक दोनों रूप में हो सकता है बस कई कई जगह पे कुछ एक्सेप्शन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही है कुछ अपवादों को छोड़कर जहाँ पे मेन्शंड है लिखित में दिया गया है कि जो आपका अनुबंध है वह लिखित में ही होना चाहिए उन एक्सेप्शन को छोड़कर ऐसे कोई ये अनिवार्य नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वह आपका लिखित रूप में ही रहेगा अनुबंध को व्यक्त यानी कि एक्सप्रेस या फिर निहित यानी कि इम्प्लाइड में भी वर्गीकृत किया जा सकता है इसका मतलब ये है अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा कि जब हम अनुबंध की बात करते हैं तो अनुबंध लिखित में भी हो सकता है मौखिक भी हो सकता है जब हम कहते हैं लिखित में हो सकता है या मौखिक में भी हो सकता है हम ये कह रहे हैं कि अनुबंध को व्यक्त वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है यानी कि एक व्यक्त अनुबंध भी हो सकता है जब हम व्यक्त की बात करते हैं व्यक्त का मतलब ये है कि शब्द या तो वे शब्द लिखित हो या वे शब्द मौखिक हो लिखित या मौखिक शब्द होने जरूरी है जो आपके जो आपकी ड्यूटीज जो है पार्टी की जो एक दूसरे को दिए गए वादे हैं उस अनुबंध के अंतर्गत वे सब यहाँ लिखित में या मौखिक रूप से तय किए गए जहां हम बात करते हैं निहित की यानी कि इम्प्लाइड उसका मतलब यह है कि आपके हाव भाव कंडक्ट जिसे हम बोलते हैं वे तय करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना है यहां पर शब्द नहीं है यहां पर आपका कंडक्ट बताएगा यहाँ पे आपके हाव भाव तय करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि निहित अनुबंध मैं आपको एक उदाहरण देती हूं इसका व्यक्त अनुबंध के तो काफी सारे ढेरों उदाहरण आपके दिमाग में आएंगे कि जब आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी किसी को बेचते हैं, से आपका कोई मकान है जिसे आप किसी को बेच रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट एक सेल अग्रीमेंट जब आप उसको बेच रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है दोनों व्यक्ति दोनों पार्टी उसपे अपने साइन करते है उसपे अपने हस्ताक्षर करते हैं और उसमें सारे शर्तें जो दोनों पार्टी के बीच में जो दोनों व्यक्तियों के बीच में तय की गई हैं, वे सब उसमें लिखी जाती हैं। तो उसे हम एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त अनुबंध कहते हैं जब हम इन निहित अनुबंध यानी कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं उसका एक बहुत ही सरल स्पष्ट उदाहरण है कि जब आप अपने परिवार के साथ किसी भी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जाते हैं कोई भी भोजनालय में खाना खाने जाते हैं वहां पर आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें जो भी चीजें जो भी जिस भी प्रकार के व्यंजन उस भोजनालय में बिकते हैं वो सब लिखे होते हैं और उनका कितना मूल्य कितना पैसा सब लिखा होता है हम वे हम देखते हैं और हम सामने वाले को बताते हैं कि हमें ये चाहिए हम ये खाएंगे आप लेके आइए वे व्यक्ति लेके आता है हम उसे स्वीकार करते हैं हम उसे खाते हैं ग्रहण करते हैं उसके बाद हम बिल मांगते हैं और बिल में लिखी गई राशि उसे देते हैं क्योंकि हमने उससे कुछ खरीदा है उससे उससे कुछ रेस्टोरा की सर्विसेज ली हैं उसके वहाँ से सामान लिया उसे ग्रहण किया तो हमारा एक ये बहुत जरूरी है कि हम अपना भी जो आ, अगर मैं बोलूँ एक ऑब्लिगेशन है उसे पूरा करते हैं पैसे देकर तो वो आ जाता है नि, निहित अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्योंकि आपका उस रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर देना सामने वाले व्यक्ति को यह बताना कि आप वहां क्या खाना चाहते हैं वो लेकर आता है और आपका उसको खाना उसका मतलब ही यही है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि निहित अनुबंध बन चुका है तो आपको जो भी जितनी भी राशि बनी आप अब बंद चुके हैं अनुबंध के तहत आपको वो देनी ही पड़ेगी अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा परिचय देती हूँ भारतीय संविधा अधिनियम अठारह का भारतीय संविधा अधिनियम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ज्यादातर हम यही बोलते हैं कि जो हमारा भारतीय संविदा अधिनियम है ये दो भागों में बढ़ता है दो भाग पहले जो धारा एक से पचहत्तर के तहत आता है दूसरा जो धारा एक सौ चौबीस से दो सौ अड़तीस में दर्शाया गया है जो पहला पाठ है जो पहला भाग है जिसमें धारा एक सौ पचहत्तर एक से लेके पचहत्तर तक है वे अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है जिसे हम कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स से डील करता है उन्हें कवर करता है उसका मतलब ये है जब हम सामान्य सिद्धांतों की बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं क्योंकि आपका ये जो संविदा विधि वाला कोर्स है जो मैं ले रही हूँ इसमें हम सामान्य सिद्धांतों से संबंधित ही वार्तालाप करेंगे वही कवर करेंगे इस कोर्स में तो आपका इस स्टेज पे ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम सामान्य सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि सामान्य सिद्धांत का मतलब ये है कि जब एक अनुबंध की बात कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के बनने के लिए क्या-क्या क्या-क्या जरूरी चीजें है, क्या, क्या चीजें हैं, अनिवार्य है जैसे कि दो व्यक्ति कॉम्पिटेंट होने चाहिए उस अनुबंध में बंधने के लिए एक छोटा बच्चा एक कॉन्ट्रैक्ट या एक अनुबंध में कभी बंध नहीं सकता इस तरह की चीजें कि क्या-क्या अनिवार्य चीजें हैं जिनका ध्यान में रखना जरूरी है एक अनुबंध के बनने के लिए उसके अलावा अनुबंध के बनने के बाद अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति अपना दिया गया वादा उस अनुबंध के तहत पूर्ण नहीं करता पूरा नहीं करता तो आगे क्या होगा क्या दूसरा व्यक्ति कोर्ट जा सकता है न्यायालय जा सकता है कि उसको किस तरह का उपचार मिल सकता है न्यायालय द्वारा वो सारी चीजें जनरल प्रिंसिपल यानी कि सामान्य सिद्धांतों के तहत आएंगी मैंने आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर मैंने ये दो भाग के अलावा तीसरा और आ, चौथा भी आगे बताया है देखते हैं ये तीसरा और चौथा आखिर है क्या धारा छिहत्तर से एक सौ तेईस ये आता है आपका तीसरा भाग और फिर दो उनतालीस से दो सौ छियासठ ये चौथा भाग अब ये दो भाग हमने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें निरस्त यानी कि रिपील कर दिया गया है अब ये भारतीय संविधान अधिनियम में नहीं कवर होती नहीं आती इसीलिए यह बोला जाता है कि जो भारतीय संविधान अधिनियम है उसके दो भाग है पहला सामान्य सिद्धांतों को ले आ, सामान्य सिद्धांतों के बारे में आपको बताता है दूसरा आपको बताता है कि विशेष अनुबंध किस तरह के होते हैं उसमें दोनों पार्टीज जो दोनों व्यक्ति उस तरह के अनुबंध में बंधते हैं तो वो उनके क्या क्या राइट्स क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं वो सब आपको 124 से 238 के बीच में मिलेगा उन अधिनियमों में से एक है हमारा भारतीय संविदा अधिनियम जिसमें बहुत ही कम संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स हुए हैं हमेशा ये बोला जाता है आपको आपने कितनी बार सुना होगा कि ये एक कानून है जिसमें अमेंडमेंट हो गई जिसमें सं, जिसका संशोधन हो गया तो हमारा भारतीय संविदा अधिनियम जो है वे एक ऐसा कानून है या ऐसे कानूनों में से एक है जिसमें आज के टाइम तक भी बहुत ही कम अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन हुए हैं इस अधिनियम को 25 अप्रैल 1872 को सहमति मिली थी लेकिन 1 सितंबर 1872 को यह लागू हुआ यह पूरे भारत में लागू है जो कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा एक के तहत लिखित रूप में आपको मिलेगा अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो तारीख लिखी हुई है। हैं, की जब का हमारा है पर एक तारीख 25 अप्रैल है एक एक सितंबर है जब 25 अप्रैल की जो डेट है जो तारीख है वे वो तारीख है जब ये कानून पे हमारे हस्ताक्षर हुए थे उन्होंने इस कानून को अपनी मंजूरी दे दी थी जब हम एक सितंबर की बात करते हैं एक सितंबर दूसरी डेट वह डेट है जिस दिन से भारतीय संविदा अधिनियम लागू हुआ तो उसे स्वीकृति मिली उसे मंजूरी मिली 25 अप्रैल को पर वो लागू हुआ एक सितंबर से ये दोनों तारीखों का महत्व ये है यह देश के शुरुआती व्यापारिक कानूनों जिसे हम लॉज कहते हैं उनमें से एक है यह कानून एक विनियमित और संगठित तरीके से अनुबंधों के गठन और अनुपालन के लिए मानदंड स्थापित करता है इसका तात्पर्य यह है कि जब हम भारतीय संविदा अधिनियम की बात करते हैं यह एक ऐसा कानून है जब आप इसे पढ़ेंगे देखेंगे आप खुद ही समझेंगे कि किस तरह से कितने अच्छे तरीके से समझदारी से एक एक धारा वहां पे लिखी गई है एक के बाद एक किस तरह से एक एक जिसे हम कहते हैं एक सीक्वेंस में दिया गया है जिससे कि सामने वाले को हर हर चीज जो लिखी है वहां पे वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए बहुत ही तरीके से विनियमित और संगठित तरीके से सारे के सारे धाराओं को और सारे के सारे विषय है जो अधिनियम पूरे करता है उसका सारा क्राइटेरिया जो है वो आपको वहाँ मिल जाएगा बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ सेविंग्स क्लॉज ये आपको आ, अपने संविदा अधिनियम में मिलेगा जो कहता है कि इसमें निहित कुछ भी किसी भी संविधि यानी कि स्टैच्यूट अधिनियम या विनियमन यानी कि रेगुलेशन के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा यानी कि जो जैसा है वह वैसा चलेगा ये उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो इसके द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं है, यानी कि सेविंग्स का मतलब है मतलब ये है कि यहाँ तो मैं भारतीय संविधान अधिनियम में ही ये चीज लिखी हो लिखित में हो कि जब से भारतीय संविधान अधिनियम लागू हुआ तब से पुराना कोई कानून जो चलता था वो समा वह समाप्त हो गया यहाँ तो सेविंग्स लॉज ये कहता है यहाँ तो आप ये लिख दीजिए अगर नहीं लिखा है और अगर पुराना जो लॉ चल रहा है कानून चल रहा है या पुराना कोई भी ऐसा रिवाज चल रहा है वो अगर आपके भारतीय संविधान अधिनियम को नुकसान नहीं पहुंचाता जो चीज संविधान में लिखी है उसका उल्टा नहीं बोलता तब तक दोनों ही चाहे वे पुराने रिवाज हो चाहे वे पुराने विनियमन हो, चाहे वे पुरानी कोई समिधि हो कुछ भी हो आपका भारतीय संविदा अधिनियम उन्हें छू भी नहीं सकता वे जैसे थे वैसे चलेंगे भारतीय संविदा अधिनियम जैसा बना है उस तरह से चलेगा ये उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा पर हाँ अगर वो कोई कोई ऐसी चीज बोलते हैं जो यहाँ पे लिखी गई चीज से उल्टी या विपरीत है तब दोनों में से कौन सा चलेगा दोनों में से भारतीय संविदा अधिनियम चलेगा क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बोली एक, एक, है, एक आ, कानून की जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक चीज हमें बताई जाती है वो ये है कि अगर दो ऐसे कानून है दो ऐसे लॉज है जिनके बीच में जो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है अब ऐसे में दोनों कानून दोनों लॉ तो लागू नहीं किए जा सकते दोनों फोर्स में तो रह नहीं सकते किसी एक को हटाना होगा तो दोनों में से कौन सा हटेगा दोनों में से हटेगा वह जो पहले आया था जो बाद में आया ये जानते हुए कि पहले एक चीज है लागू है ऑलरेडी है एग्जिस्ट करती है फिर भी ये लॉ आया है ये कानून आया है तो जो बाद में आया हुआ कानून है वे लागू होगा और पिछला वाला हट जाएगा भारतीय संविधान अधिनियम अठारह का इतिहास यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पारित किया गया था और मुख्य रूप से अंग्रेजी के कॉमन लॉ के सिद्धांतों पर आधारित है अब अंग्रेजी कॉमन लॉ इंग्लिश कॉमन लॉ इसका मतलब क्या है इसका मतलब है न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानून तात्पर्य यह है कि जो भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत धाराएं हैं उनमें जो लिखी गई चीजें हैं, वे सब वो जो लिखा गया पूरा कानून है वे सब कहा से आया है उसका सोर्स जिसे हम कहते हैं वह क्या है उसका सोर्स आया है अंग्रेजी के कॉमन लॉ से ज्यादातर यह अंग्रेजों द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है ऐसा हम क्यों बोलते हैं ऐसा हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अधिनियमित सिद्धांत लेन देन संबंधी संबंधों को निर्देशित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों का कोडिफिकेशन यानी कि संहिताकरण है यही कारण है कि इसमें कुछ ही संशोधन हुए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण दो वजह से है पहली वजह ये कि इसमें बहुत ही कम संशोधन यानि कि अमेंडमेंट्स हुए हैं और दूसरा ये वे बहुत ही अच्छे सरल तरीके से लेन देन संबंधी सिद्धांत निर्देशित करता है भारतीय संविदा अधिनियम लागू होने से पहले संविधात्मक संबंध विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते थे जैसे हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून जिसे हम हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ कहते हैं अब हम बात करेंगे अनुबंध कानून के विकास जिसका मतलब है एवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक और मध्यकालीन यानी कि मेडिवल काल वैदिक और मध्यकालीन काल के सिद्धांत कई संदर्भों से लिए गए हैं विशेष रूप से वेद धर्मशास्त्र स्मृतियां और श्रुति जो उस समय के अनुबंधों यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के समान कानून का एक विशद चित्रण जिसे हम कहते हैं एक विविड डिपिक्शन यानी कि एक बहुत, बहुत तरीके से एक विशद चित्रण प्रदान करते थे अब इसके बाद आया रोमन काल प्रारंभिक रोमन रोम में वादों को लागू करने के लिए किसी भी सार्वभौमिक मानदंड यानी कि यूनिवर्सल क्राइटेरिया को विकसित करने के बजाय लागू किए जाने वाले वादों की कई श्रेणियों को पहचान कर अनुबंधों का कानून विकसित हुआ अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं कि इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो रोमन काल में जो हम कह रहे हैं प्रारंभिक रोम में वादों वादों का मतलब होता है प्रॉमिस वादों को लागू करने के लिए किसी भी यूनिवर्सल क्राइटेरिया को विकसित करने के बजाय वादों की कई श्रेणियों को पहचान कर जिसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के वादों को पहचान कर उन्हीं के अनुसार उन्हीं के उन्हीं को पहचान कर उन्हीं अनुबंधों का कानून विकसित हुआ सिंपल अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं कि एक जनरल एक सामान्य रूल ना होकर एक इस तरह का रूल या कानून बनाया गया जो कि अलग अलग वादों पे संबंध अलग अलग वादों से संबंधित था उन्हें पहचान कर रिलेटेड विकसित हुआ अब इस प्रकार रोमन कानून ने इस विचार का बीड़ा उठाया कि एक वादे का परिणाम एक लागू करने योग्य कर्तव्य हो सकता है जिसे हम ये कहते हैं प्रमिस मे रिजल्ट इन एन एनफोर्स ड्यूटी इसका मतलब है तो मैंने वादा किया प्रोमिस किया आपको तो मेरी एक ड्यूटी भी बनती है मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस वादे को पूर्ण करू पूरा करू अगर मैं उस वादे को पूरा नहीं कर सकती तो आप न्यायालय यानी कि कोर्ट जा सकते हैं और कानूनी उपचार की मांग कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं एनफोर्सेबल का मतलब यही होता है एनफोर्सेबल का मतलब ये है कि अगर एक अनुबंध के तहत किसी व्यक्ति या पार्टी ने अपना दिया गया वादा पूरा नहीं किया तो दूसरा व्यक्ति या दूसरी पार्टी कोर्ट जा सकती है और कानूनी उपचार की प्रार्थना कर सकती है फिर आया इस्लामी काल यानी कि इस्लामिक पीरियड भारत में मुस्लिम शासन के दौरान सभी अनुबंध से संबंधित मुद्दे मुस्लिम कानून द्वारा शासित थे अनुबंध के लिए एक अरबी शब्द अकद का प्रयोग किया जाता था जिसका अर्थ है संयोजन यह प्रस्ताव और स्वीकृति के संगम का प्रतिनिधित्व करता है जिसका मतलब यह है प्रस्ताव जिसे वे आरबी में इजाब बोलते थे प्रस्ताव माने प्रपोजल जिसे आप बोलते हो प्रपोजल स्वीकृति की जहां आप बात करते हैं स्वीकृति का मान, मतलब होता है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस तो इस्लामिक इस्लामिक काल में बस यह, यह कहा जाता था कि यह प्रस्ताव और स्वीकृति के संगम का प्रतिनिधित्व करता है इस्लामी कानून के अनुसार एक अनुबंध के गठन के लिए किसी भी प्रकार की औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी की, की आवश्यकता नहीं होती है केवल आवश्यकता यह है कि दोनों पक्षों की स्पष्ट सहमति प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही अर्थ में एक ही चीज से की जानी चाहिए इसका मतलब ये है कि दोनों जो पार्टीज है दोनों पक्ष जो है उनकी पूर्ण स्पष्ट सहमति यानी कि कंसेंट कंसेंट से एक अनुबंध बनता है और प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही अर्थ में एक ही चीज से की जानी चाहिए जिसका मतलब है सेम थिंग इन सेम सेंस एक अनुबंध तभी बनता है जब प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों ही एक तरह से एक ही समय एक ही चीज से रिलेट करती है सेम थिंग इन सेम सेंस अब इसको आप किताबों में देखेंगे एक चीज लिखी एक फ्रेज लिखा जाता है जिसका जिसे हम कहते हैं कंसेंसस, एड इडम सेम थिंग इन सेम सेंस प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही अर्थ में एक ही चीज से की जानी चाहिए मतलब मैंने जो प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है आपने वही प्रस्ताव पूर्ण रूप से स्वीकार किया है फिर आया हिंदू काल हिंदू पीरियड हिंदू कानून का न्याय शास्त्र अंग्रेजी कानून न्याय शास्त्र से काफी अलग है न्याय शास्त्र का तात्पर्य है, है। जिन्होंने हिंदू कानून के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने के लिए वेदों की व्याख्या और विश्लेषण किया है मनुस्मृति का अनुबंध कानून अनुबंध में प्रवेश करने में असमर्थता से निपटता है जिसे कहते हैं हम इन कपेसिटी टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दोनों में में से कोई एक व्यक्ति अनुबंध में प्रवेश करने योग्य नहीं है इसने इस धारणा को स्थापित किया जो भारतीय अनुबंध अधिनियम में भी परिलक्षित होती है कि एक नाबालिग यानी कि जिसे हम कहते हैं माइनर या एक नशे में धुत व्यक्ति यानी कि जिसे हम कहते हैं इंटॉक्सिकेटेड पर्सन द्वारा दर्ज किया गया अनुबंध वैध नहीं है आप भारतीय संविधान अधिनियम भी जब पढ़ेंगे जब देखेंगे तो उसमें जो धारा दस है धारा दस बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहती है कि दो जब दो व्यक्ति या दो पार्टी दो पक्ष एक अनुबंध में बंधते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज या आवश्यकता उसमें ये है कि दोनों ही पार्टी उस अनुबंध में बंधने योग्य हो मतलब ना तो वो माइनर हो ना तो वो व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड हो या जिससे हम ये भी कहते हैं कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अनसाउंड माइंड का मतलब ये है कि वे व्यक्ति अपने लिए कोई फैसला लेने योग्य नहीं है वे ये नहीं समझता कि जो सामने वाला उसे एक प्रस्ताव उसके सामने रख रहा है क्या वे प्रस्ताव उसके हित में है या उसे नुकसान दे सकता है या आगे जाके वे प्रस्ताव जो वो अभी स्वीकार कर रहा है जिस अनुबंध में वे बंध रहा है आगे जाके वे उसका क्या आश्रय करेगा फिर आया ब्रिटिश काल अब ब्रिटिश काल भारत हमारा जो भारतीय संविधा अधिनियम है वे आया ही ब्रिटिश काल के दौरान है भारतीय संविधा अधिनियम के आगमन से पहले किंग जॉर्ज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए 1726 के चार्टर के तहत मद्रास बॉम्बे और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी शहरों में अंग्रेजी कानून लागू किया गया था अठारह के वर्ष में बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास शहर में उच्च न्यायालयों की शुरुआत हुई और इन उच्च न्यायालयों के चार्टर में भी पुराने कानून के समान प्रावधान शामिल थे कि उच्च न्यायालयों को अनुबंध मामलों मामलों को अनुबंध मामलों के संबंध में कोई निर्णय देने से पहले संबंधित धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को लागू करना था यानी कि धर्मों पे धर्मों से संबंधित पर्सनल लॉस हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ अब आया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम जैसे कि ये आज लागू हुआ है मूल रूप से यानी कि इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था ये इंग्लैंड में वर्ष 1861 में तीसरे भारतीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था अब यहाँ है आ, 1861 जो हमारा कानून जैसा कि वे आज है वह आया है अठारह में तो अठारह में हमें आज के विधान के अनुसार कानून प्राप्त हुआ था क्योंकि जो पहला मूल रूप जो फर्स्ट ड्राफ्ट 1861 में आया उसमें बहुत सारे चेंजेस परिवर्तन किए गए और वह अठारह से लागू लागू हुआ जैसा कि आप आज उसे जानते हैं आगे मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ वो ये है कि अब जो हमारे आगे के सेशन भी होंगे भारतीय संविधान अधिनियम में जो धारा दो है वो आपको जिसे कहते हैं डेफिनेशन क्लॉज, आपको उस अधिनियम में दिए गए काफी सारे ऐसे शब्द हैं, जो बार 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 आप पढ़ेंगे तो वे आएंगे उनका प्रयोग किया गया है तो उनकी डेफिनेशन या उनका क्या मतलब है वो धारा दो आपको बताती है तो धारा दो में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी बताना चाहूंगी इससे पहले कि हम आगे बढ़े या अपने लेक्चर को खत्म करने की तरफ बढ़े मैं आपको धारा दो के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी देखिए धारा दो जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन क्लॉज इसे आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन उसका मतलब यह है कि यह शब्द आगे कहीं भी इस्तेमाल हुआ हो उसका मतलब वही होगा जो धारा दो में लिखा गया है तो सबसे पहले जो धारा दो हमें बताती है प्रपोजल के बारे में प्रपोजल का मतलब है प्रस्ताव कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ या किसी के साथ एक अनुबंध में बंधना चाहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं और आपको उसकी उस व्यक्ति की मंजूरी की जरूरी जरूरत है तो उसकी मंजूरी के लिए आप उसे उसके सामने ये व्यक्त करते हैं कि आप उसके साथ उस अनुबंध में बंधना चाहते हैं और वो आपका प्रस्ताव स्वीकार करे तो इसीलिए आप उसको एक प्रपोजल देते हैं यानी कि उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं एक एक बहुत ही जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि चाहे हम प्रस्ताव के बारे में बात करें चाहे उसकी स्वीकृति के बारे में बात बात करें। कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना वे बहुत ही जरूरी चीज है यानी कि आपने कहा प्रस्ताव तो जब तक आप सामने वाले को अपने प्रस्ताव के बारे में बताएंगे नहीं या उस तक चिट्ठी पत्री ईमेल कुछ पहुंचाएंगे नहीं जहां पर आपने वह जहां पर आप वह प्रस्ताव उसके सामने रखना चाहते हैं जहां से उसके उसको उस प्रस्ताव के बारे में पता चलेगा तब तक वो आपको स्वीकृति दे ही नहीं सकता इसीलिए जरूरी है कि आप उसे कम्युनिकेट करें या उसको उस तक पहुंचाए अपनी बात ठीक अब हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति है आपने सामने वाले व्यक्ति को अपने प्रस्ताव के बारे में बताया उस तक अपनी बात पहुंचाई आपने अपनी बात क्यों पहुंचाई इसीलिए पहुंचाई क्योंकि आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं एक अनुबंध में बंधना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी प्रस्ताव आपने उसके सामने रखा है वो व्यक्ति उस प्रस्ताव को मान ले जैसे ही वो उस प्रस्ताव को मानता है अब यहाँ पर भी बहुत जरूरी है कि वो उस प्रस्ताव को जब स्वीकार करता है तो वो स्वीकृति आपको कम्युनिकेट की जाए या आप तक अपना एक्सेप्टेंस वो पहुंचाए कि उसने आपका प्रस्ताव मान लिया है और वो आपके वो भी आपके साथ उस अनुबंध में बंधना चाहता है अब आया प्रॉमिस एक ऐसा प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति हो जाए उसे हम कहते हैं प्रॉमिस क्योंकि हम बोलते हैं आपका जो संविदा अधिनियम है वो ये कहता है कि एक्सेप्टेड प्रपोजल इज अ प्रॉमिस मतलब कि एक प्रस्ताव जैसे ही स्वीकार किया जाता है वो बन जाता है एक प्रॉमिस ठीक अब आगे एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि हम बोलते हैं प्रस्ताव पर वही शब्द आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा लिखा हुआ प्रपोजल या वो आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑफर मतलब उसका एक ही है प्रस्ताव अब आपको हम बताते हैं कि एक कंसिडरेशन आपके धारा दो में ही एक और शब्द को बताया गया है शब्द के बारे में बताया गया है उसका न, उसे कहते हैं कंसिडरेशन कंसिडरेशन का मतलब यह है कि किसी ने मुझे कुछ वादा किया किसी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे वादा किया क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इससे इसका जवाब है बिल्कुल नहीं क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब यह है कि किसी ने मुझे एक वादा किया तो उसके बदले में मैंने भी उस व्यक्ति से कोई वादा किया है तो उसका दिया गया वादा वो मेरे लिए कंसिडरेशन है मेरा उसे दिया गया वादा उसके लिए कंसिडरेशन है जब तक कंसिडरेशन नहीं होता एक अनुबंध में अनुबंध कभी बन ही नहीं सकता मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ क्योंकि आपका जो भारतीय संविधान अधिनियम है वो ये भी कहता है कि आप जो कंसिडरेशन है वो कानूनी दायरे के अंतर्गत होना चाहिए जिसे हम कहते हैं लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए अब ठीक है मान लिया कि कंसिडरेशन मतलब दोनों पार्टी दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कुछ वादा कर रहे हैं पर एक उदाहरण के तौर पे, पे अगर मैं आपको ये बोलू कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ड्रग्स खरीदता है ठीक है ड्रग्स खरीदता है और उसे पैसे देने से इनकार कर देता है क्या वो व्यक्ति जिससे इसने ड्रग्स खरीदे क्या वो कोर्ट जाकर ये बोल सकता है क्या वो कोर्ट से ये मांग रख ये ये प्रार्थना कर सकता है कि इसने मेरे से ये चीज खरीदी है जो कि ड्रग्स है और मुझे पैसे नहीं दिए क्या कोर्ट उसे कोई इंसाफ या कोई उपचार दिला पाएगा इसका जवाब है नहीं वो इसीलिए क्योंकि जब आप कहते हो कि कंसिडरेशन जो है वो कानूनी दायरे के तहत होना चाहिए तो आप कैसे आपने उससे आप उसे ड्रग्स बेच रहे हो एक एक ऐसी चीज़ एक ऐसा वो सामग्री एक ऐसी चीज़ है वो जो लॉफुल कानून के दायरे में नहीं आती आप खुले में ड्रग्स बेच नहीं सकते अगर कोई केमिस्ट भी किसी तरह तरह का ड्रग बेचता है वहाँ पर भी ये बहुत जरूरी है कि जब तक आपके पास एक डॉक्टर की लिखी गई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती तो वो आपको वो दवाई या वो ड्रग नहीं बेच सकता तो आप खुद सोचिए यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोकेन या ड्रग्स ऐसा कुछ जाके खरीदे और फिर उसको पैसे ना दे तो ये व्यक्ति कोर्ट जाके नहीं मांग सकता क्यों क्योंकि वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है वो कानून के दायरे में नहीं है आप हाँ? दोनों व्यक्ति खुद ये डिसाइड करेंगे दोनों व्यक्ति खुद तय करेंगे दोनों पक्ष खुद तय करेंगे कि क्या वादों से वो बंधना चाहते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून के दायरे के बाहर रहकर ये चीज ये बात डिसाइड करे अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपकी धारा दो है वो और एक चीज के बारे में आपको बताती है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो है वॉयड अग्रीमेंट देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस अग्रीमेंट का मतलब क्या है अग्रीमेंट का मतलब यही है कि एक ने प्रस्ताव रखा दूसरे ने उसे स्वीकार किया बन गया अग्रीमेंट अग्रीमेंट राइट अग्री मानना एक ही चीज पे दोनों पक्ष जो है उनकी वो, वो उस चीज को मानने के लिए तैयार है अग्रीमेंट अब जब हम void अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं void का मतलब ये है कि इसकी कोई इसका कानून में कोई मूल्य ही नहीं है खाली है void है एम ठीक जब हम void अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब ये है जैसे मैंने आपको अभी बताया एग्जाम्पल दिया कि उसने ड्रग खरीदा और वो आ, अब ड्रग खरीदा पैसे नहीं दिए तो सामने वाला व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता क्योंकि वॉइड अग्रीमेंट है क्या ऑफर क्या एक्सेप्टेंस ये चीज तो आ, बिल्कुल अनलॉफुल भी है और साथ ही साथ वॉइड भी है क्योंकि आप इस चीज को जाके कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते मतलब कि अगर आपके साथ इस अनुबंध के टूटने पर कुछ बुरा होता है तो आप कोर्ट में जाकर कुछ किसी उपाय की या उपचार की प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि नहीं मिलेगा एक डेफिनेशन जो उसका जो मतलब जो दिया गया है धारा दो में उसमें लिखा है कि एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था और दूसरी चीज जो लिखी है वो ये है एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वॉइड अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल कोर्ट नहीं जा सकते कोर्ट आपको कोई आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा आपको कोई उपाय नहीं कर पाएगा आपके लिए जब आप कहते हो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब प्रस्ताव प्रस्ताव की स्वीकृति फिर उसके बाद अनुबंध बना अनुबंध में अगर कोई वादा टूटता है तो सामने वाला व्यक्ति कोर्ट जा सकता है मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपना घर किसी को बेच रहे अपनी घड़ी किसी को बेच रहे हैं। आपने ये तय किया दोनों के बीच में कि आज आप उसको अपनी घड़ी दे वो घड़ी देख ले वे व्यक्ति पूरी तसल्ली कर ले कि घड़ी चल रही है सब ठीक है उसमें अच्छी घड़ी है बिल्कुल ठीक है नहीं टूटी कोई उसमें कुछ कोई खराबी नहीं है और तय ये हुआ है कि आज घड़ी ली और आप उसको पैसे दो दिन बाद देंगे जो भी पैसे आप दोनों के बीच में तय हुए अब दो दिन बाद आप उसको पैसे नहीं देते क्या वो व्यक्ति वो पैसे आपसे वसूल सकता है क्या उसके पास कोई भी कानूनी उस चीज का कोई उपचार है उसका जवाब है कि है क्यों क्योंकि सब लॉफुल है कानून के दायरे में उसकी वो कोई आपको चोरी की घड़ी नहीं बेच रहा था आप कोई और आप कोई चोरी का सामान नहीं खरीद रहे थे वो गलत है पर वो अपनी घड़ी आपको बेच रहा है और आप उस घड़ी के पैसे देने वाले हो जो कि आपने उसको कहा है कि दो दिन में आप देंगे पर आप दो दिन में पैसे देने से मना कर देते हो तो उसके पास बिल्कुल उपाय है कि वो अपने राइट को अपहोल्ड करे कोर्ट जाए और प्रार्थना करें। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन को आज के सेशन को व्याख्यान को कंक्लूड करूंगी तो हमने आज ये देखा है कि ये समझा कि समझा भारतीय संविधा अधिनियम अठारह में संविदा के विस्तृत और व्यवस्थित सामान्य सिद्धांतों का प्रावधान है मतलब कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम जो जितना आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो धाराएं पढ़ेंगे जो पहला भाग है आपके भारतीय संविधान अधिनियम का उसमें आप सामान्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये ये जो पॉइंट है, आपको उसी के बारे में ही बता रहा है कि किस तरह से इलेबोरेट विस्तृत रूप में वहां पर आपको जनरल प्रिंसिपल्स लिखे गए यह ज्यादातर अंग्रेजी कॉमन लॉ से लिया गया है ये भी हमने देख लिया क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान अधिनियम अठारह है ये आया ही लागू ही तब हुआ था जब आ, अंग्रेजी आ, शासन चल रहा था ब्रिटिश शासन चल रहा था तो आप देखेंगे कि और आगे भी सेशन में आपको पता चलेगा जब हम काफी जगह पे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टॉपिक ये जो विषय पे हम पढ़ रहे हैं इस विषय में जो धारा जो भी संविधान में से कोई एक धारा जो है उसने उसमें जो लिखा गया है वह इंग्लिश कॉमन लॉ से ही लिया गया है इस कानून में शायद ही कोई संशोधन हुआ है फिर वही कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें बहुत ही कम संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक अनुबंध के गठन में दोनों पक्षों के लिए एक ही अर्थ में एक ही बात पर सहमत होना महत्वपूर्ण है अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है एक ही चीज पर एक ही समय पर अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है वर्ड्स जरूरी है शब्द जरूरी है चाहे वे लिखित हो चाहे वे मौखिक हो यह व्यक्त या निहित हो सकता है माने कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है इसी के साथ मैं आज का आपका व्याख्यान समाप्त करती हूँ धन्यवाद